जिंदगी रोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। ऋतिक की क्रिश 4 में क्या होगा खास? शाहरुख को कौन सी दी है जिम्मेदारी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक तरफ जहां दर्शक फाइटर के बाद ऋतिक रोशन की अगली फिल्म के ऐलान के इंतजार में बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऐसे में दोनों के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे जानकर वो बेहद खुश होने वाले हैं। जी हाँ, खबर है कि ऋतिक रोशन की अगली फिल्म क्रिश 4 हो सकती है, जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक इसके प्री प्रोडक्शन में जी जान से जुटे हैं और इन दिनों स्क्रिप्टिंग पर काफी काम चल रहा है। साथ ही खबर ये भी है कि इस फिल्म के लिए ऋतिक ने शाहरुख से भी हाथ मिलाया है। हमारी सहयोगी सूत्रों के एक खबर के अनुसार शाहरुख खान फिल्म क्रिश 4 में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। खबर के अनुसार ऋतिक रोशन की इस फिल्म के ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को दी गई है। माना जा रहा है कि फिल्म में इस बार ऋतिक रोशन कि कई सुपर विलन के बीच की जंग होगी। ऐसे में ये साफ है कि इन सुपर विलन्स को बनाने की जिम्मेदारी शाहरुख खान को दी गई। खबर ये भी है कि इस बार क्रिश 4 में जादू की भी वापसी होने जा रही। बता दें, साल 2003 इस फिल्म का पहला पार्ट आया था, जिसका नाम कोई मिल गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म में जादू एक एलियन की एक भूमिका में थे, जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ था। आपको बता दें, ऋतिक का इस साल बहुत बिजी स्केड्यूल है। आपको बता दें, ऋतिक को इस साल क्रिश 4 के साथ साथ वॉर 2 की भी शूटिंग करनी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है ऋतिक रोशन के बारे में कि वो बैक टू बैक बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।